तो अगली बड़ी खबर है रोहतक से। आपको बता दें कि रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम को पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब बीजेपी इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही है और इसलिए इस अभियान को पूरी तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है। और अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा है। ये भी कहा कि प्रदेश में 10 साल कोई भी विकास का काम सरकार ने नहीं किया और इसलिए जो हिसाब हम मांग रहे हैं उसका कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है बीजेपी। ये बात भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा कही गई है। इसके अलावा प्रदेश के विकास के लिए 10 साल में कुछ भी नहीं किया गया, इस बात को भी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर के भी निशाना साधा है भूपेंद्र हुड्डा ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे वो यूनिवर्सिटी भी हमने बनाई है। आम आदमी पार्टी के साथ हालांकि गठबंधन को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस और आपका राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, हरियाणा में गठबंधन को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। तो ये बड़ी खबर है भूपेंद्र हुड्डा की ओर से हरियाणा मांगे हिसाब इस कैंपेन को लेकर के जवाब दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसको भारी जनसमर्थन मिल रहा है क्योंकि इसमें जो सवाल बीजेपी से हमने पूछे हैं उसका जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया है। मेरे पास जो है कोई भी जो सवाल 15 उठाए हमने उसका कोई जवाब नहीं है। जो लोग उठा रहे पूछ रहे हैं क्या किया तुमने 10 साल में, कुछ किया हो तो बताएं। 10 साल के बारे पूछो, कार्यकाल वहां से शुरू हो जाओ, पंचकुला से लेकर चले जाओ। जवाब वो अपने अमित शाह जी आए थे महेंद्रगढ़ में और पूछ रहे थे हम देंगे, तो जिस यूनिवर्सिटी में वो जलसा कर रहे थे वो किसने बनाई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके टाइम में नहीं रखी गई, किसके टाइम में कंप्लीट हुआ, ये तो सोच लेते हो, ये तो पूछ लेते। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में हमारे समय बनी है। ये पहले कैच में हमारा अलायंस लोकसभा में था, स्टेट में किसी पार्टी से कोई अलायंस नहीं हमारा। मेरे कोई बात ना गठबंधन हुआ ना अभी बातचीत चले, क्योंकि हमारा स्टेट लेवल का गठबंधन था ही नहीं, कभी राष्ट्रीय स्तर पे था, वो आज भी है, वो आज भी है।